तो ये उन दिनों की बात है, हम सब शांति से सो रहे थे और सपने देख रहे थे संडे राइट के। और जब फाइनली संडे आया तो हम क्या देखते हैं, बाहर हो रही है जोरों की बारिश। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद बारिश नहीं थमती है और फिर मुझे आता है एक आइडिया और मैं निकालता हूँ अपने सारे हथियार। ओह माय गॉड, वाओ! और वो हथियार हैं अपने रेंज कवर यार। उसके बाद हम राइड बारिश में एडवेंचर करते हुए सक्सेसफुली पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये बॉय। मगर वहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं हो जाता हूँ डिप्रेस्ड, क्योंकि आज अपने पास कुछ कंटेंट तो है ही नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए। फिर अचानक से मुझे दिखते हैं बहुत सारे कपल्स जो हमारे साथ राइड कर रहे थे और मुझे आता है एक आइडिया, क्यों ना इन सब के साथ एक गेम खेली जाए और इनके घरों में आग लगाई जाए। आग लगा दी। लगता है ये पागल हो गया। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ आप लोगों से पूछ रहे थे, हाँ जी कितना हो जी सारे वधिया। चलो यार वधिया रहना पड़ी तरह। तो आज यार कंटेंट कुछ अलग है, संडे राइड करी थी बट संडे राइड पे मैंने मोटो व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं करी, क्यों यार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। मीडिया मोड के अंदर गोप्रो अगर सेट करता तो यार मीडिया मोड वाटरप्रूफ नहीं होता, इसलिए इशू था। और नॉर्मल कैमरा कनेक्ट करता तो वॉइस नहीं आती मेरी, बोलता तो कुछ सुनाई नहीं देता आपको, टाइम लैप्स देख के भी क्या करोगे। मगर एक मैंने मसालेदार चीज़ निकाली है आज बहुत सारे कपल्स राइड कर रहे थे हमारे साथ में। तुम्हारे भाई की बत्ती खनक गई। ये देखो हरी मिर्चें ली है, कुछ शुगर ली है और कुछ वाटर बॉटल्स हैं। अब आप भी सोच रहे हो यार इन सब का क्या करूँगा मैं, आज ट्रिकी क्वेश्चन पूछ के ना लोगों के घर में आग लगाएंगे। आग ऐसी बात नहीं है, बैकग्राउंड देख ही रहे हो कपल साथ में बैठे, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे। काफी टाइम हो चुका है कपल्स को राइड करते हुए भी, इतना टाइम हो गया शादी को भी, कौन कितना किसके बारे में कितना जानता है, छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछेंगे। आओ पूछते हैं, छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं। पहले सर से पूछते हैं, सर आपका नाम? हाय मैं नितिन चोपड़ा। तो अब एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, छोटा सा मसालेदार सा। तो सर ऐसी कौन सी हॉबी है जो मैम की आपने चेंज करवा दी शादी के बाद? मैंने तो कई चीज़ें चेंज कराने की कोशिश करी पर लगता कि मैं ही हार जाता हूँ बेचारा, क्या करूँ। मैम तो वही के वही है, कुछ कुछ गलत किया यार, प्यार बदल के किया तो क्या किया। यू एक्सेप्ट द पर्सन द वे दे आर, नो नीड टू चेंज एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा एक चीज और बता दूं, जो कपल आप इस टाइम पे देख रहे हो ना, चढ़कता बढ़कता कपल है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कंटेंट ना अब कुछ क्वेश्चंस मैम अपने आप से पूछे जो वो सर से निकलवाना चाहती है। देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैम को ज्यादा बताऊंगी मेरे को कम बताऊंगी, देखो मैम से पूछते हैं। ऐसा क्या पूछने वाला है भाई? ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसा तो मैं किसी के अंदर भी नहीं रहने देती, तो ये तो फिर मेरा बच्चा है। ये तो इतना तो ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ जानना है, क्योंकि जानना होगा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आस्क, बट ऐसा मैम यू हैव टू हेल्प मी, तो मैं पक्का निकाल लूंगी, पर अभी तक ऐसा कुछ मैं क्लेम नहीं कर रहा। ये मुझे लग रहा है आप दोनों का मेरे ही टेस्ट कर रहा हूं। मैं अगला क्वेश्चन पूछना सबको जानना जरूरी थोड़ा, सबको समझना जरूरी थोड़ा, तो जस्ट एवरी टाइम इट इज अ लर्निंग। मैंने अपने वाइफ से पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया, जो सवाल है पूछो। तो एक्चुअल में इशू क्या है, मैम थोड़ा सा कैमरे को फेस करने में हिचकिचा रहे हैं, तो क्वेश्चन पहले आप इसे शुरुआत कर लेते हैं। ऐसी कौन सी हॉबी है जो
आप चाहते हो अभी भी 25 साल के बाद मैम की चेंज नहीं हुई है और आप कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहे हो कि वो चीज चेंज होनी चाहिए। मैम की कोई हॉबी नहीं है। मैम की हॉबी नहीं होना एक हॉबी है जिसको मैं चेंज कराने की कोशिश कर रहा हूँ 25 साल से, लेकिन मैं कोई हॉबी बनाने के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अच्छा मैम, सर ने अब राइड्स करना शुरू करा है मनाली के अंदर, मतलब छोटा मोटा डिस्कशन चल रहा था, तो अब क्या सर को परमिशन मिल रही है आगे राइड्स करने की? आप देंगे पीछे से? शुद्ध हिंदी में वो कह रही है इसको करने दो जो करना चाहता है। वैसे सर अभी मैम को मैं करीब 30 साल से जानता हूँ और यार पता है क्या है, 25 साल शादी हो गए, 50 साल उम्र हो गई, इतने में तो याददाश्त कमजोर हो जाती है। की बात कर रहे हो, 50 साल वो डिजिट्स ही है, सीरियसली बोलूँ तो अभी भी सर 18 साल के नीचे ही है, ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ भाई कोई एजेड पर्सन हमारे साथ राइड कर रहा है। मेरे को जानता नहीं भाई, अगर बेइज्जती करनी होती तो कैमरा के आगे तो ना करता। आपको बुड्ढा बोल रहा सर। हाँ बोल रहा, बोल गया, बोल गया, इंटरनेशनल टेलीविजन पे बोल गया। मुझे क्यों लग रहा है कि ये बंदा अपने शादी से पहले रिसर्च कर रहा है, क्यों लग रहा है मुझे ये? सर आपका नाम? जसपाल सिंह मारवा। मैम आपका नाम? परविंदर कौर। कितने साल हो गए आपको मतलब जानते हो और शादी को कितने साल हो गए? हम लोग मिले थे फरवरी 2002 में, कॉलेज का फर्स्ट डे था हमारा, फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे, और हमारी शादी हुई थी जुलाई 2008 में। ओके बिल्कुल सही, करेक्ट है मैम। ओके मैम, आप फर्स्ट टाइम जब मीट करा था कहाँ घूमने गए थे? हम कॉलेज में थे, अपनी क्लास में पढ़ते थे। मोस्ट लाइकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वॉज अ रेड टी शर्ट एंड ब्लू जींस। सर मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप रॉन्ग निकले तो हमारे पास ग्रीन चिलीज पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा बताइए, रेड टी शर्ट एंड ब्लू जींस, मैम इज दिस करेक्ट? यस। क्या बात है भाई, क्या बात है, कुछ मीठा हो जाए, सस्ता वाला मीठा खिला रहा है, कम से कम कैसे सस्ता वाला मीठा खिला रहा है भाई। जब मीठे की बात कर रहे हो, मेरी कॉफी अभी तक बाकी है भाई। मैं तो यहीं आ गया, मैं तो सोचने आता था एनिवर्सरी है, कोई मैरिज डेट याद नहीं होगी सर को, बट फर्स्ट डेट ही याद है। अच्छा मैम, ऐसी कोई हॉबी जो आपने सर की चेंज कर दी हो, मतलब खान पान को लेकर रहन सहन में कुछ भी चेंज करा शादी के बाद? नहीं, जैसे हैं वैसे ही हैं, वैसे ही अच्छे लगते हैं, सभी साथ हैं। तो और कुछ ऐसा चेंज करना चाहते हो जो मतलब सर नहीं मान रहे हैं? सब कुछ सर, आप कुछ ऐसे चेंजेस चाह रहे हो मैम के अंदर की मतलब चेंजेस आए या करवाना चाह रहे हो तो मैम नहीं मान रहे? देखो जी, जैसे मैंने पहले बताया था, वी हैव बीन टुगेदर सिंस 2002, तो परफेक्शन इज़ वेरी हार्ड टू इम्प्रूव, सो आई डोंट थिंक देर इज एनी नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट पर से, स्कोप तो बहुत बाद में ही आ जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो भाई। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मिर्चियाँ मैंने मंगवा के सिर्फ दिखाने के लिए रखी है, कोई खाने वाले नहीं है। साथ रहने के बाद भी मैं दो घंटे में चीजें भूल जाता हूँ, सर ने इतनी पुरानी चीजें याद रखी। एक क्वेश्चन और पूछ लेते, मैम कह रहे थे कि सर को एनिवर्सरी या मैरिज डेट याद नहीं है,
हमेशा गलत बताते हैं। तो अब यहाँ फंसा लेते ना सर को। सर आपकी एनिवर्सरी डेट मतलब एंगेज सगाई की डेट कौन सी थी? भाई हमारी सगाई और शादी एक ही दिन हुई थी एंड दैट वाज 27th of July 2008। इसलिए याद है नहीं तो हमेशा 28 ही याद आता है तो अभी तो याद ही है। ये पिछले हफ्ते की बात है ना, ज्यादा पुरानी नहीं है। ये तो हमेशा 28 ही बताते हैं। आपके पास आज मौका है, अगर कहीं और आपको लगता है सर फंस सकते हो तो फंसा सकते हो। मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। पहले से फंसे हुए हैं और बताने ये फंसा ही हुआ है, देख लो सर कह रहे हैं मैं पहले से फंसा हूं। मैंने फंसाया, मैं कहता मैं फंसा, चलो जो भी है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो यही है। चैट ऑफ लाइफ। बाकी इसी हंसी मजाक के साथ लॉन्ग लाइफ सर की चलती रहे, इसी और मेरे को एक्सपीरियंस देते रहे। और आप लोगों के लिए मैं इसी तरह मसालेदार कंटेंट लाता रहूं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। इन्हें तो आप जानते ही हो, जलेबियाँ आज तक पेंडिंग है इनकी। बाकी फिर देखिए मुझे सब शुरुआत कर लेते हैं। सर आपका नाम? आशीष प्रसाद। मैम आपका नाम? क्रेजीएस्ट जॉब। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी ढूंढ रहा हूँ मैं, मिल जाएगा। What is the craziest job that I'm asking him? That he liked it, or maybe that he doesn't like it. So what do you feel? Is it like that something is there in you that might be he's not liking, he's liking something that? नहीं ऐसा कुछ है नहीं, स्पेशली कि डिसलाइक लाइक करने वाला स्पीच तो नॉर्मल चलता है। कुछ ज़्यादा वो ग्राफ होता है, ग्राफ अगर चला होगा तो ग्राफ ज़्यादा ऊपर भी नीचे भी नीचे चलता है। What is the ideal weekend for you? Ideal weekend ट्रैवलिंग। For you? Sleeping. ट्रैवलिंग के बाद स्टे। So what you are feeling there? Good, not the best. For me sleeping is best. नहीं मेरे लिए ट्रैवलिंग ओके है, बट मैं बहुत अर्ली नहीं उठती, ये मेरी प्रॉब्लम है। भाई कोई हरी मिर्ची खाएगा नहीं खाएगा, जो एक गलत दे दो ये देख लो बोल भी कौन रहा है। जलेबी 3 साल से पुरानी पड़ी हुई है। कितनी खाली मिट्टी खाली बताओ तुम्हें, पता नहीं कितने सालों पुरानी जलेबी आज तक नहीं खिलाई, हरी मिर्च खिलाने के लिए रेडी है। मुझे लग ही रहा है फर्स्ट पे तो वो मुझे लग ही रहा है क्योंकि बट टू बी ऑनेस्ट अच्छी बात है। देखो कपल साथ में राइड कर रहे हैं, आज एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला, सबके साथ हंसे खेले, अच्छी चीज है यार ये। और सबसे बढ़िया चीज ये लगी कि अब कपल्स अपने एक दूसरे में कितनी अंडरस्टैंडिंग है उन दोनों के बीच में। तो आगे राइड्स आप साथ में करेंगे, मतलब सर के साथ में राइड्स करने के लिए प्लान कर रहे हैं, जैसे अभी लद्दाख का प्लान कर रहे हैं। हम लद्दाख राइड करते हैं, शॉर्ट राइड। ओके तो आगे संडे राइड्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलो एक चीज तो अच्छी, संडे राइड अगर 4 भी राइड कर ली, मतलब महीने राइड कर ली, तो मैम लॉन्ग राइड भी पक्का करेंगी, मैं इतना जरूर बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा। जलेबी ये भाई ने एक ब्लॉग किया, उसका एक जवाब देना चाहूँगा, जो मैं लिख के कमेंट भी कर सकता हूँ। इसको जलेबी इतना खिलाऊंगा, इतना खिलाऊंगा अंदर जलेबी निकलेगी इसकी। इसकी जलेबी भाई बढ़ाऊंगा उसको, मतलब खिलानी तो जल्दी खिला था, दोबारा डाइटिंग पे जाने वाला, पेट डाइटिंग शुरू कर सकते होगा ऐसे नहीं खाऊंगा। थैंक यू सो मच मैम, आज के लिए मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट किया, बहुत सारा सपोर्ट किया आपने, थैंक यू सो मच। एंड आपकी एक क्लिप पेंडिंग है मेरे पास, मैं वो भेज दूंगा मैं जल्द से जल्द। नेक्स्ट टाइम अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक अ मोर क्रेजी स्टफ फॉर ऑल ऑफ यू। सो ये फर्स्ट वीडियो मैंने एक्सपीरियंस किया, मतलब एक नया कंटेंट बनाने के लिए कोशिश किया है आप लोगों के लिए, तो अच्छा लगे तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया करके आप प्रियंका का ये वीडियो लाइक कर दीजिए। बट यू लाइक इट व्हेन यू फील लाइक यस यू कैन and you have to because otherwise he is doing a very good job and there is a lot of efforts behind it.
might be you are not able to see for what he is going through, what he is doing, where he is sitting, how he is shooting, number of things are involved. So I request everyone to kindly hit the button. Hit the like button, and if you are a new on my YouTube channel, so subscribe it and press the bell icon. बाकी मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, चंगा जी, सत श्री अकाल।